वेलकम टू आवामी टाइम। दर्शकों, आवामी टाइम में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि जब जब देश में फिरका वाराना फसादात हुए हैं, जब जब कहीं भी घटना देश में घटती है, तो सबसे पहले मुस्लिम संगठन सामने आती है अमन शांति का पैगाम देते हुए, भाईचारे का सब पैगाम देते हुए। जी हाँ, इस देश के हर मस्जिद, हर दरगाहों, हर खानकाहों से अमन भाईचारा कौमी यकजहती का पैगाम दिया जाता है, संदेश दिया जाता है। जी हाँ, इसी तरह से आज मीनारा मस्जिद मोहम्मद अली रोड पर रज़ा एकेडमी की जानी से अभी हाल ही में कश्मीरी पंडितों के हुए हमले की निंदा करते हुए एक ज़बरदस्त पुरजोश तरीके से प्रदर्शन किया गया और कहा गया है हर हाल में कश्मीरी पंडितों के साथ है। वामी टाइम्स रिपोर्ट। जो जाति हो रही है, उनकी हलाकतें हो रही हैं, उसके खिलाफ आज रज़ा एकेडमी ने एक एहतजाज किया है कि जुल्म किसी के साथ हो, जुल्म जुल्म है, लिहाजा रज़ा एकेडमी कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ी है। न सिर्फ रज़ा एकेडमी बल्कि मुल्क का मुसलमान और हर इंसान, हर शख्स कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा है कि इस जुल्म में जो उन पर जाति हो रही है, हम उनके साथ हैं और जो भी जुल्म करे उसको सख्त सजा दी जाए। कश्मीरी पंडितों पर जो जुल्म हो रहा है और जिनका हक है वहाँ रहने का और उनको अपनी जगह पर रहने नहीं दिया जाता है, लिहाजा मैं समझता हूँ हुकूमत फेल हो गई है इस मामले में, उनको बचाने में, उनको संभालने में। और ये जो जुल्म उनके साथ में हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा धोखा है और मैं चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों का हम क्या सारी दुनिया के लोग साथ दें, हमारा पूरा मुल्क साथ दें और हर कौम के लोग कश्मीरी पंडितों का। आज रज़ा एकेडमी ने कश्मीरी पंडितों के लिए यहाँ पर मोर्चा किया था। पिछले एक महीने में तकरीबन कई लोगों को मार दिए गए और ये जुल्म है, जुल्म बहरहाल जुल्म है, किसी के साथ भी हो। जुल्म के खिलाफ हिंदुस्तान का कोई भी ना मुसलमान ना कोई हिंदू ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए रज़ा एकेडमी ने आज कश्मीरी पंडितों के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन का एहतमाम किया था कि उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो वहाँ से वो अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको निहायती सुरक्षा के साथ वहाँ आबाद करें।